हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M52 डिवाइस के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में One UI 5.1 का जो मैसिव अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और अपडेट के अंदर आप लोगों को बहुत सारे जो नए फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और One UI 6.0 अपडेट से पहले यही आप लोगों को सबसे बड़ा अपडेट मिलता है, तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा जो चेंजेस है ना वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपडेट की जो टोटल साइज है वो आप लोगों को मिलती है 1258.51 MB। और सबसे बड़ी जो चीज आप लोगों को इस अपडेट के अंदर ये देखने को मिलती है, आई थिंक आप लोग कह सकते हो सेकंड सबसे बड़ी चीज है ना वो यहाँ पर ये मिलती है 1 फरवरी 2023 का लेटेस्ट आप लोगों के लिए जो सिक्योरिटी पेसल का जो अपडेट है ना वो इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि मार्च का अपडेट चल रहा है, अभी मार्च का मंथ चल रहा है और इसके अंदर आप लोगों को फरवरी का ही यहाँ पर अपडेट मिलता है। वैसे कह सकते हो कि 1 मंथ ओल्ड अपडेट है लेकिन इतना भी यहाँ पर पुराना नहीं है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो कंप्लीट वीडियो को देखना। और वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करके ऑल पे यहाँ पर प्रेस कर लेना है। हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर मिलता है। तो सिंपली आपको अपनी होम स्क्रीन पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पर आप लोगों को जो नए वाले विजेट्स है वो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट विजेट है वो आपको मिलता है स्मार्ट सजेशंस। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग विजेट है, इसकी मदद से आप लोगों का जो यहाँ पर वर्कलोड है ना वो काफी कम हो जाएगा। अब इतना भी कम नहीं होगा, इसका प्रैक्टिकली यूज क्या है वो मैं आपको वीडियो में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और सेकंड एक नया विजेट आया है एंड्रॉइड एस ईस्टर एग का, तो बताना एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ये कि पहले भी था या फिर अभी आया है। एक बैटरी का आप लोगों को नया विजेट मिलता है, ये हमारा फर्स्ट विजेट है ब्रांड न्यू और ये सेकंड विजेट है। इसके अंदर ये होता ही है कि आपके फोन की जो बैटरी है ना वो यहाँ पे शो करती है और यहाँ का जो आपका सैमसंग के जितने भी जो एसेसरीज है ना वियरेबल डिवाइसेज है, जैसे कि ईयर बर्ड्स हो गया या फिर उसका जो केस है ना चार्जिंग केस हो गया, उसकी बैटरी या फिर आपकी जो गैलेक्सी वॉच या फिर कोई भी एंड्रॉइड वॉच है उसकी आप लोगों को बैटरी है वो यहाँ पे शो होगी। और सेकंड वाला जो विजेट है इसका आप लोगों को जो लेआउट है ना वो यहाँ पर हल्का सा चेंज देखने को मिलता है, तो काफी यूजर्स को मेजोरिटी यूजर्स को यही वाला पसंद आने वाला है। तो दिखा देता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर जो लेआउट है ना वो कैसा मिल जाता है। तो एक बार इसके बारे में बताना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि एंड्रॉइड एस ईस्टर एग वाला जो विजेट है वो अभी आया है या फिर One UI 5.0 से यहाँ पर अवेलेबल है। अभी बात कर लेते हैं विजेट्स के बारे में, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर यहाँ पर अभी तो जैसे कि मैंने ओनली गैलरी एप्लीकेशन है उसको यूज किया है, तो इसके अंदर गैलरी एप्लीकेशन के सारे चेंजेस है ना वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर एप्लीकेशन है उनका नेम है ना वो यहाँ पर शो होता, क्योंकि आप लोगों ने उन एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज किया है। तो ये हमारा स्मार्ट सजेशन का विजेट हो गया। बाकी नीचे हमारे फोन की जो बैटरी है ना वो शो कर रही है 68%, और अभी मैंने यहाँ पर कोई भी एसेसरीज कनेक्ट यहाँ पर करके नहीं रखी है, इसलिए आप लोगों को तीनों जो सर्किल है ना वो यहाँ पर ब्लैंक देखने को मिलते हैं। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर किसी ना किसी एसेसरी की जो बैटरी है ना वो यहाँ पर शो हो जाती। तो ये आप लोगों का सेकंड चेंज हो गया। अभी बात कर लेते हैं कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो जैसे कि मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ, तो ब्लूटूथ को एक बार ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे कि मैंने गैलेक्सी वॉच 4 है इसको एक बार यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो यार थोड़े बहुत बग्स देखने को मिल रहे हैं इस अपडेट के अंदर, तो एक बार इसको करते हैं स्किप, आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर जो वेदर एप्लीकेशन है उसके लेआउट के बारे में। सो फाइनली आप लोगों को वेदर एप्लीकेशन का नया जो लेआउट है ना वो देखने को मिलता है। लेआउट नहीं, ये वाली जो एनिमेशन है ना वो आपको नई देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग इसको ओपन करोगे ना तो आपका यहाँ पर जो मून है ना वो इसकी इस तरीके से एनिमेशन मिलेगी। तो अभी नाइट होके रखी है तो ये एनिमेशन है, बाकी जो दिन का टाइम है वहां पर आपको सन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन है ना वो यहाँ पर मिलेगी, तो एक बार इसको जरूर से आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। और ये वाला जो चेंज है ना वो आप लोगों को ओनली विजेट के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में जो कि इस अपडेट के अंदर किए गए हैं सैमसंग की ओर से। तो गाइस अगर आप लोग अपडेट का लेआउट है ना वो चेक करोगे तो वो आप लोगों को हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट के अंदर वाईफाई है ना तो उसकी टेस्टिंग
तो आप लोगों को काफी अच्छी मिलती है। साथ ही में जो स्पीड है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। तो अगर आप लोग अपना जो मोबाइल है उसके अंदर अगर वाईफाई जो यूज करते हो ना तो आप लोगों को जो स्पीड है उसके अंदर काफी अच्छे जो चेंजेस है ना वो देखने को मिलेंगे। तो और कोई चेंजेस अब आपको नहीं मिलेगा। एक चेंज जो कि मैंने आपको बता दिया है सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को मिलेगा, जो वन यूआई का जो अपडेट का लेआउट होता है ना चेंज लोग है उसको चेंज यहाँ पर कर दिया गया है। बहुत सालों बाद में सैमसंग की ओर से चेंज किया गया है। वन यूआई 3.1 अपडेट के अंदर भी यही था, 4.1 अपडेट के अंदर यही था, और अभी फाइनली जो 5.1 का अपडेट आया ना इसके अंदर ये वाला एक सबसे बड़ा चेंज है ना वो आपको मिल जाता है। बाकी काफ़ी यूजर्स के यहाँ पर एक ये डाउट है कि आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M52 डिवाइस के अंदर एक्सपर्ट रो वाला मोड है ना वो यहाँ पर मिला है या फिर नहीं। तो ये आप लोग वैसे मिला तो नहीं है लेकिन आप लोग इसको गैलेक्सी स्टोर से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और इसके मैं आपको कुछ मेन फीचर यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मोर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट रो का मोड है ना वो यहाँ पर मिल जाएगा। और जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे आप लोग मैनुअली यहाँ पर लिटरली जो भी DSLR होते हैं ना उनके अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं, वो सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि एपरेचर है उसको आप लोग ऑटो या फिर मैनुअल पे कर सकते हो, फोकस को, और यहाँ पर ISO है उसको चेंज कर सकते हो, उसकी जो शटर स्पीड है वो भी आप लोग चेंज कर सकते हो। और इससे आप लोग अपनी जो फोटो है ना उसकी क्वालिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनहेंस कर सकते हो। तो ये आप लोगों को अगेन एक बहुत ही ज़्यादा चेंज मिल जाता है। अगर आपको कैमरा के अंदर ये वाला शो नहीं होता है मोड तो आपको क्या करना है, सिंपली आप लोगों को यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी सैमसंग अपडेट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको नहीं ज्वाइन किया है तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ये वाली जो न्यूज है ना वो आपको पहले ही मिल गई थी कि जो अपडेट है ना वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी M52 डिवाइस के लिए। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, इसके अंदर भी आप लोगों को चेंजेस है ना वो मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग अपना क्वेश्चन है वो इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर पूछ सकते हो, और आपका कोई भी डाउट है प्रॉब्लम है वो दूसरे मेंबर्स के साथ में यहाँ पर शेयर कर सकते हो, तो सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर जरूर से मिल जाएगा। काफ़ी यूजर मेरे से पूछते हैं कि आई लव मार्च वाला फीचर मैंने यहाँ पर कैसे अप्लाई किया है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है क्लोक विजेट सहेद सेन, चार आप लोगों को ये वाले टेक्स्ट है वो यूट्यूब पे सर्च करने, मेरी आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी जिसपे 17,000 व्यू है उसको वॉच कर लेना है, और 3 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कैसे आप लोग अपने डिवाइस के अंदर आई लव मार्च वाला विजेट है उसको यहाँ पर एड कर सकते हो। तो गाइज यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना है। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।